विकास की वजह से जनता हमारे साथ में है और आज नॉमिनेशन मेरा हुआ, उत्काफला के साथ नॉमिनेशन हुआ और हम मेरा अनुभव है कि इस चार साल की पाँच मैंने पाँच टर्म चुनाव होने जा रहा है, पाँचवा टर्म है, चौथा टर्म चुनाव हो गया है। जितना काम वह चार टर्म में नहीं हुआ है उससे ज़्यादा काम मैं इस टर्म में चौथा टर्म में मैं काम किया हूँ। जो वर्तमान मुखिया मैं हूँ, मैं अपना उस टर्म में काम किया हूँ। इतना काम आज तक कभी सिंहापुर उत्तर पंचायत में नहीं हुआ था। लोग सलखनी के लोग और यहाँ के लोग सराहनीय कर रहे हैं जो मुखिया जी अपना कार्य हर क्षेत्र में, चाहे नली गली का क्षेत्र में हो, नल जल के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो और चाहे वह वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे सेट बनाने का कार्य हो, चाहे स्वच्छता बनाने का कार्य हो, हर क्षेत्र में काम में हम दिलचस्प लिए हैं और काम किए हैं और उसी के आधार पर हम आज वोट मांग रहे हैं कि हम काम। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं KVTV के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम आए हुए हैं बिभुतपुर प्रखंड के सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत में और यहां के प्रत्याशी हैं मुखिया पद के, जो कि पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान में भी मुखिया हैं। इनका नाम है उपेंद्र महतो। तो चलिए आज हम जानते हैं इनसे खास बातचीत के दौरान क्या यहाँ की मुद्दाएँ हैं, क्या कैसे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर जी, KBS स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, सर मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम उपेंद्र महतो जी, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सरजुग महतो जी, ग्राम पोस्ट सिंघिया घाट, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर जी। सर ये जो आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कब से ये इसका शुरुआत सफर हुआ? 2001 से त्रिस्तरीय पंचायत का जो अभी किया गया उस टाइम से हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। उस चुनाव में 2001 में चुनाव हम जीते थे और लगातार फिर 2006 में चुनाव हुआ जी, उसमें चुनाव थोड़ा सा मत से हार गए जी। 2011 में चुनाव हुआ, उसमें थोड़ा सा मत से हार गए और फिर पुनः जो है सो 2016 में चुनाव हुआ। 2016 के चुनाव में प्रत्याशी हम खुद थे और हम चुनाव भारी मतों से जीते, 3200 वोट मुझे आया और 1368 वोट से मैं चुनाव जीता। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। हम जानना चाहते हैं जैसे कि आप पूर्व में 2001 में चुनाव जीते और फिर बीच में ऐसा क्या हुआ जो 2 साल आप नहीं सेवा दे पाए? चुनाव तो मान लीजिए हर लगातार हम चुनाव हम जीते, लेकिन कुछ आपस में फ्रिक्शन हो गया। हम लोगों का जो अपना ग्रुप था उस ग्रुप में ही थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया, तो वो लोग मेरे पीछे थोड़ा सा पड़ गए जिसकी वजह से मैं चुनाव फिसल गया। सर आप इतने सालों से और अभी तक इस कार्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ अपना कुछ कार्य अनुभव शेयर करें। 2001 में मैं तो काम किया जी। ऐसी बात नहीं है कि लोग मुझे 2001 के बाद 2006 में वोट नहीं दिए, उससे ज़्यादा वोट दिए। 2001 में मुझे 865 मत आया, इसके बाद 2006 में 1368 मत आया जी। और इसके बाद हमारी पत्नी खड़ा थी उस समय में जी। और फिर 2011 में चुनाव लड़ा, उसमें मात्र मैं 11 वोट से चुनाव हार गया 2100 वोट ला करके। तो जनता तो हर समय मेरे साथ है, जनता में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने के कारण हम चुनाव जीत ही रहे हैं, चुनाव हम जीत ही रहे हैं और इसी वजह से जो है सो थोड़ा सा मेहनत में कमी हो गई और हम मात्र 9 वोट से 2100 वोट ला करके मात्र 9 वोट से चुनाव हारे हैं। इसलिए काज का कहीं जनता के बीच मेरा जो मैं काम किए उसका सराहना हर्ष में होते रहा, तब तो जनता मुझे कभी ठुकराया नहीं, लगातार वोट हमको लगातार वोट जनता देती रही। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं फिर? काम में मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम तो हम चाहे विधायक हैं उनसे भी हमको कई बार हो गया
फ्रिक्शन, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र है हम काम करते रह गए, विकास का काम किए हैं और आज ही विकास की वजह से जनता हमारे साथ में है। और आज नॉमिनेशन मेरा हुआ, उस काफिला के साथ नॉमिनेशन हुआ और हम, मेरा अनुभव है कि इस चार साल पाँच टर्म चुनाव होने जा रहा है, पाँचवा टर्म है, चौथा टर्म चुनाव हो गया है, जितना काम वह चार टर्म में नहीं हुआ है उससे ज़्यादा काम मैं इस टर्म में, चौथा टर्म में मैं काम किया हूँ। जो वर्तमान मुखिया मैं हूँ, मैं अपना उस टर्म में काम किया हूँ। इतना काम आज तक कभी सिंहापुर उत्तर पंचायत में नहीं हुआ था। लोग सलखनी के लोग और यहाँ के लोग सराहनीय कर रहे हैं जो मुखिया जी अपना कार्य हर क्षेत्र में, चाहे नली गली का क्षेत्र में हो, नल जल के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, और चाहे वह वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे सेट बनाने का कार्य हो, चाहे स्वच्छता बनाने का कार्य हो, हर क्षेत्र में काम में हम दिलचस्प लिए हैं और काम किए हैं और उसी के आधार पर हम आज वोट मांग रहे हैं कि हम काम किए हैं, हमको आप वोट दीजिए। तो लोग कहते हैं मुखिया जी आप काम किए हैं, वोट आपको अवश्य मिलेगा, आप चिंता मत करें, वोट आपको जनता देगी जी। और इसी पर हम वोट मांग रहे हैं जी। सर आप इतने दिनों से अपने कार्य क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ अपना आप क्या क्या कार्य किए और कैसे आपकी जनता आपसे मतलब लोकप्रियता बढ़ी है। 2016 में अपार मत से हम चुनाव जीते जी। इसके बाद हम अपने कार्य में लग गए और हर क्षेत्र में, चाहे वह नल मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना के तहत नली गली हो, नल जल योजना हो, और 15वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग और 5वें वित्त आयोग से जो मुझे राशि मिली सरकार के द्वारा, मैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया जी। जो आज चारों तरफ दिखा रहा है कि काम हुआ है, जनता इस बात को सराहनीय मुझे दे रहा है जी, मुखिया जी आप कार्य किए हैं, इतना कार्य आज तक कभी नहीं हुआ जी। जहाँ तक रहा मनरेगा की बात, मनरेगा में मैं बहुत अत्यधिक काम किया हूँ, कम से कम 50-60-70 लोगों को पशु शेड बनाने का काम किया हूँ, 100 लोगों को स्वच्छता देने का काम बनाने का काम किया हूँ, और वृक्षारोपण का कार्य आज तक इस पंचायत में कभी इतना नहीं हुआ, मैं उतना 150 यूनिट काम करने का काम किया हूँ। प्रत्येक परिवार में मैं वृक्षारोपण का दिया हूँ और लोग वृक्ष लगाए हैं और लाभान्वित हुए हैं। तो आज जो मेरा काज का धरातल पर दिख रहा है, जो मुखिया जी काज किए हैं और वोट पुनः मुखिया जी को मिलना चाहिए जी। और इसका श्रेय मुझे जनता के द्वारा मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ डायरेक्ट जनता बोलती है जो मुखिया जी चिंता करने की बात नहीं है, पुनः आप चुनाव जीतिएगा और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं अपना मत आपको दूंगा जी। हाँ सर, आप 2001 से लेके 2016 तक अभी तक आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ऐसा काम जो आप दिलचस्प हो उसमें कुछ पुरानी यादें, जैसे मानो हाँ लीजिए, ज़्यादातर हम तो रोड मान लीजिए जाल बिछा दिए रोड का जी, रोड का पीसीसी का अपने पंच मैंने सिंहा के अंतर्गत सलखनी आता है 4 वार्ड, जितना काम आज तक कभी वहाँ नहीं हुआ, मैं पीसीसी बनाने का काम किया, सोरिंग लगाने का काम किया और सिंहा में 10 वार्ड पड़ता है, इस 10 वार्ड में जगह जगह गली बनाने का काम किया और पीसीसी का काम किया जी। जो आज धरातल पर दिख रहा है, और मैं ये पीसीसी पर ज़्यादा जोर दिया और पीसीसी हर जगह काम करने का काज किया जी। सर ये जो कोरोना महामारी के दौरान ये जो मुश्किल की घड़ी चल रही थी, तो आप इस में आप अपनी जनताओं को कैसे इस मुश्किल घड़ी को संभालें? उसमें उन लोगों के बीच मैं गया जी। हर जगह छिड़काव का कार्य जो है ना, सैनिटाइजर का छिड़काव कराने का काम किया, लोगों से मिलने जुलने का काम किया, डिस्टेंस बनाए रखने का काम लोगों के बीच कहे, आप आपस में एक साथ नहीं बैठें, अलग अलग सब आदमी डिस्टेंस बना करके बैठें और मास्क का उपयोग करें और छिड़काव का
जहाँ अगर कोई शिकायत हुआ तो मैं वहाँ पहुँचता था, यहाँ इसके घर में जो है सो शिकार हो गए हैं लोग कोविड 19 के, तो उसके चारों तरफ जो है सो हम लोग बांस बल्ला से उसको घरवाने का काम करते थे और मास्क साबुन उस परिवार में देने का काम करते थे, ताकि इसका दूसरा क्षेत्र में दूसरे बगल के आदमी का इसका प्रभाव नहीं पड़ सके। हम एकदम कार्यरत रहते थे, हर समय जो है सो अपने क्षेत्र में घूमते रहते थे। वीडियो साहब बराबर हम फ़ोन से बात करते रहते थे, हमसे भी संपर्क किया करते थे कि मुखिया जी कहीं कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, तो उनसे हम बराबर बात करते रहते थे। और कहीं किसी घर में कोई शिकायत आता था कोविड 19 का तो लोग वहाँ जो है सो हम लोग वो पहुँचते थे, वीडियो साहब भी पहुँचते थे, सब लोग पदाधिकारी पहुँचते थे और उसका सारा व्यवस्था हम लोग करते थे। जी सर, बहुत ही सराहनीय आपका काम रहा जो इतनी शालीनता से बिल्कुल इस कठिन कार्य को आपने सफल किया और अच्छे तरीके से निभाया। सर हम जानना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएँ जो है बहुत ही मतलब बदहाल है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है यहाँ पर, तो इसमें आप स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में था पहले जी, लेकिन अभी उस पर हमने केंद्र ख़त्म हो गया है जी। इसको दक्षिणी पंचायत में के साथ ऐड कर दिया गया है, अभी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सर इसका कैसे और विकास होगा जो अपने क्षेत्र में मतलब आप क्या? इसके लिए हम बात करेंगे, अब फिर पुनः मैं मुखिया बनूँगा, बनने के बाद मैं बात करूँगा वीडियो साहब से, जो आप एक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ से यहाँ पंचायत में होनी चाहिए और दूसरे जगह लोग यहाँ के लोग क्यों जाएंगे जी। इसके लिए मैं बात करेंगे और स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनवाएंगे हम लोग। सर आप अपने क्षेत्र में जब घूमते हैं तो समस्याएं तो बहुत सारी होती है कुछ ना कुछ, तो अभी भी आप अपनी जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं तो कैसे मतलब उसको हल करते हैं? देखिए समस्या तो एक बारिश, इतना बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई, बिल्कुल। बारिश होने के बाद जो है सो जल जमाव का जो है सो मान लीजिए उधर से नदी भी बढ़ता गया, तो एक रास्ता है जो बांध में बना हुआ है, पुलिया बना हुआ है, उससे जो है पानी निकलता है, लेकिन नदी ओवरफ्लो होने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, तो सारा जल जगह जो है सो जल इकट्ठा, दो तीन वार्ड मैंने 5 वार्ड है जी। और 9 वार्ड है, 10 वार्ड है, 3 वार्ड को जो है सो प्रभावित करता है, उन्हें पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जैसे हम लोग भी तो सारा वार्ड इस बार सिंगिया और उत्तर पंचायत का जो है सो सलखन्नी 2-3 वार्ड छोड़ करके बाद बाकी में सब जल प्रभावित हम लोग हो गए और सारा फसल नष्ट हो गया और सारे किसान जो है सो अभी बैठे हुए हैं, कुछ काज नहीं कर रहे हैं जी। हाँ। सर ये जो जल जमाव की परेशानी है, समस्या है, काफ़ी कठिन, काफ़ी किसानों की भी बहुत क्षति होती है, तो इसमें आपका क्या विचार है जो ये जल जड़ से ख़त्म हो जाए ये समस्या है, क्योंकि परेशानी इसके लिए सरकार चाहेगी, यह योजना तो मान लीजिए मुखिया स्तर की योजना नहीं है, यह तो ऊपरी स्तर की योजना है और इसमें सरकार बिहार सरकार केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी तो ख़त्म हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ख़त्म हो सकता है और ख़त्म होना चाहिए। जैसे अभी मान ली 2 वर्ष से लगातार ऐसा हो रहा है, अगर कंटिन्यू यह रह गया तो लोग काफ़ी क्षति में पहुँचेंगे। हाँ इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। सर आप जीतने के बाद सबसे पहले कौन से विकास कार्य को प्राथमिकता देंगे? मूल रूप से मान लीजिए शिक्षा है जी, बिल्कुल, स्वास्थ्य है, इसके बाद कार्य है जी। इसके बाद जो है सो पंचायत में कार्य होते हैं, वह कार्य है, स्वास्थ्य शिक्षा में मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा जी। बहुत ही अच्छी सर कि आप सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा को चुने, बहुत ही सराहनीय काम है आपका जी। सर अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है और ख़ास करके नारी शिक्षा पे आपका क्या विचार है? शिक्षा की स्थिति तो वास्तव में दयनीय है, लेकिन उसमें सुधार लाना चाहिए, हम लोगों का भी प्रयासरत रहना चाहिए, प्रतिनिधियों का भी प्रयासरत रहना चाहिए उसमें सुधार हो, और साथ साथ सरकार का भी इस पर नज़र रहनी चाहिए। और कोई भी योजना पंचायत में आता है तो पंचायत के प्रतिनिधि को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जो शिक्षा अगर शिक्षा में हम पिछड़ रहे हैं, सही समय पर लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं या पढ़ाने का काज नहीं कर रहे हैं,
तो उसमें सारे प्रतिनिधि को भी दिलचस्प लेना चाहिए और शिक्षा के प्रति आस्था रहना चाहिए लोगों को। सर, ये जो राजनीति में आना हुआ, कैसे, किन से प्रभावित हुए जो राजनीति लाइन को आप चूज किए? हमारे यहाँ 2001 में जी चुनाव जो लड़े, प्रथम चुनाव लड़े, तो एक अष्टजाम यज्ञ जो होता है उसके लिए लोग बैठक किए हुए थे। उस बैठक में हम वहाँ हम भी मौजूद थे। उस बैठक के अध्यक्षता हमारे सुखदेव मास्टर साहब हैं, शिक्षक हैं, वह कर रहे थे। तो बैठक समाप्त होने के बाद मास्टर साहब का ये हुआ सब लोगों के बीच में कि मुखिया जी को मुखिया बनाया जाए, मैंने उपेंद्र महतो को मुखिया बनाया जाए जी। क्या आप आप उस समय स्कूली शिक्षा ले रहे थे या नहीं? हम स्कूली शिक्षा ले रहे थे उस समय। अच्छा। दुकानदारी करते थे, दुकानदारी वगैरह करते थे। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद जो है ना दुकानदारी करते थे। तो उसी में मीटिंग में बुलाया गया हमको। मीटिंग में जो है सो भाई सुखदेव मास्टर सुखदेव यानी कि आपके गुरु जी, हाँ गुरु जी सुखदेव महतो शिक्षक हैं जी। वो जो है सो कहे जने मुखिया जी को मुखिया बनाया जाए जी। तो सब लोगों का राय बन गई जने मुखिया इनको बनाया जाए। और हम मुखिया उस समय में खड़ा करवाए हमको जी। और मुखिया बन गए हमने सो। और इसके पहले हम राजद से जुड़े हुए रहते थे जी। राजद जुड़े रहते थे, मीटिंग वगैरह हम जाते थे, पटना वगैरह जाते थे। और बीच में तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन क्या बोले वो सब राजद की बात, तो बहुत आगे तक गए थे। आप पहली बार जब मुखिया बने थे तो राजद से ही जुड़ के बने थे? उस समय पॉलिटिक्स नहीं जन मैंने पब्लिक पार्टी जुड़े हुए नहीं थे जी। लोगों के सहयोग से जो है ना, ग्रामीणों के सहयोग से समाज सेवा कर रहे। हमारे बीच आए हुए सभी पत्रकार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों ने मेरे बीच आकर के बहुत अच्छा बोलने का मुझे मौका मिला और मैं अपनी बात आपके बीच रखने का काम किया। तो आप अभी देख रहे थे यहाँ के मुखिया जी, मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र महतो जी को। तो आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, लाइक करें एवं शेयर करें।